गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर्स डिक्लेरेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल यूज। इन ऑर्डर टू फेस द सिचुएशन ऑफ एन इमरजेंसी, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड सेवरल एक्सक्लूसिव पावर टू द प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट द स्टेटस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एज गिवन बिलो। बच्चों, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको इमरजेंसी पावर मिली हुई होती है, जिसे हम हिंदी में आपातकालीन शक्तियाँ कहते हैं। उसको उसके डिक्लेरेशन की, इम्प्लीमेंटेशन की और प्रैक्टिकल यूज़ की पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में इमरजेंसी लॉज एसोसिएट किए जाते हैं। इमरजेंसी लॉज एसोसिएट विद द कंडीशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेजन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तीन कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम इमरजेंसी लॉ बनाते हैं। एक तो जब वॉर की कंडीशन हो दो कंट्री के बीच में, एक्सटर्नल इन्वेजन का मतलब होता है बाहरी आक्रमण होने की, या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर कंट्री के अंदर आपसी संघर्ष की जब स्थिति होती है, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी लॉ फॉर्म करने का प्रावधान रखा गया है। इन द बिगनिंग सेक्शन 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रेसिडेंट फील्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और मेल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल इन्वेजन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, देन ही कुड इम्पोज एन इमरजेंसी इफ एनी सच कंडीशन अरोज और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन द फ्यूचर। ये तो सिंपल सी लाइन है कि अगर उसे लगे कि प्रशासन व्यवस्था बिगड़ रही है, या फिर प्रेसिडेंट को ये लगे कि कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या एक्सटर्नल इन्वेजन हो सकता है, या वॉर हो सकता है, तो इन सारी कंडीशन में वो सेक्शन 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या कर सकता है, इमरजेंसी लॉज एसोसिएट कर सकता है। ठीक है। विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ पार्लियामेंट दिस डिक्लेरेशन यूज टू रिमेन वैलिड फॉर 2 मंथ्स। लेकिन आपको मालूम है पार्लियामेंट की सहमति लेनी जरूरी होती है किसी भी प्रपोजल को बिल में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब तक कोई बिल या प्रपोजल लॉ नहीं बन सकता जब तक पार्लियामेंट का कॉन्सेंट ना हो, अनुमति या सहमति ना हो, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के कॉन्सेंट के बिना भी इसे 2 महीने तक लागू रख सकता है। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा लागू रखने के लिए उसे पार्लियामेंट की सहमति लेनी होगी। द गवर्नमेंट कुड कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट दिस डिक्लेरेशन एज पर इट्स डिस्क्रिएशन आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द अरेंजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट इज एज डिस्क्राइब्ड बिलो। अब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। उस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही क्या किया गया था, ये स्वीकृति दी गई थी कि इस व्यवस्था को किस तरीके से लागू किया जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन दी गई थी, 4 कंडीशन थी। फर्स्टली, नाउ दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ फियर ऑफ अ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेजन और एन आर्म्ड रिवॉल्ट। इमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड ओनली इन द नेम ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहली तो इस बात के लिए कहा गया था कि इमरजेंसी जो है वो अगर युद्ध होगा, बाहरी आक्रमण होगा, या आर्म्ड रिवॉल्ट यानी शस्त्रों के साथ कोई विद्रोह होगा, तभी हम क्या करेंगे, इमरजेंसी को घोषित कर सकते हैं। सिर्फ इनकी आशंका होगी, फियर होगा, यानी डर होगा कि युद्ध हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है, या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो क्या की जाएगी, इमरजेंसी लागू की जाएगी। केवल इंटरनली अशांति होने पर इमरजेंसी को लागू नहीं किया जाएगा। ये किस में लिखा गया है, 44वें संविधान संशोधन में लिखा गया है।
Second, under section 352, the president can declare an emergency only if the council of ministers give a written advice to the president in this context. इसके अलावा section 352 में एक आ गया है कि president emergency लागू कर सकता है सिर्फ तब जब council of ministers उसे written में ये सलाह दें कि आपको इस समय emergency लागू करनी चाहिए. फिर third है, thirdly, after a declaration of emergency, its approval from special majority of both the houses in a separate way and a two-third majority of the members present and participating in elections. ये वही सेम प्रोसीजर है जो पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. इज मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अति आवश्यक, जरूरी है, इसके बिना वो आगे नहीं जाएगा. एंड टू कंटिन्यू इट अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 6 months. ये तो ईजी बात है कि अगर और 6 महीने से ज़्यादा बढ़ानी है तो हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा. किसका? दोनों हाउसेस का. फिर फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, फोर्थली द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी एंडेड बाई अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन. और इमरजेंसी को लागू जैसे हम करते हैं वैसे ही एंड करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी हमें लेनी होगी. किसकी? लोकसभा के मेंबर की जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट. फिर इमरजेंसी लागू कहाँ की जाएगी? स्टेट में भी लागू होती है. आपको मालूम है कई राज्यों में भी इमरजेंसी लागू होती है. तो वो कब लागू होती है? जब संवैधानिक तरीके से काम नहीं चल पाता है, यानी जब राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कानून व्यवस्था नहीं चल पाती है, ब्रेकडाउन हो जाना यानी विफल हो जाती है, तो भी इमरजेंसी लागू की जाएगी. और उसका प्रोसीजर क्या होगा वो हम पढ़ेंगे. ये हम स्टेट का पढ़ रहे हैं, उससे पहले वाला हमने सेंट्रल का पढ़ा था, पूरे देश में इमरजेंसी कैसे लागू होगी. प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 356, इफ़ द प्रेसिडेंट कम्स टू नो फ्रॉम द स्टेट गवर्नर और इफ ही हिमसेल्फ कंसीडर्स दैट सच अ कंडीशन हैज़ इवॉल्व दैट द गवर्नमेंट ऑफ सम स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग एज पर द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन ही कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी इन द स्टेट. ये तो सिंपल सी बात है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्यपाल जो होगा वो लिख के देगा कि हम मेरे राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि मैं सही तरीके से स्टेट को रन नहीं कर पाऊंगा या नहीं हो पा रहा है, तो भी प्रेसिडेंट क्या करता है किसी भी स्टेट में, जिस स्टेट में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है वहाँ पे सेक्शन 356 के थ्रू क्या करेगा? इमरजेंसी लागू कर सकता है. लेकिन ये इमरजेंसी जो है वो 2 महीने से ज़्यादा लागू नहीं रह सकती अगर पार्लियामेंट का कॉन्सेंट यानी सहमति नहीं मिले तो. ये नीचे लिखा हुआ है, विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द पार्लियामेंट दिस डिक्लेरेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 months आफ्टर गेटिंग अ रेजोल्यूशन पास्ड इन द पार्लियामेंट. रेजोल्यूशन का मतलब प्रण होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव से मतलब है कि कोई भी जब तक पार्लियामेंट उसको पास नहीं कर देती उस प्रपोजल को, प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट इम्पोज ऑन अ स्टेट फॉर 6 months. 6 महीने से ज़्यादा के लिए प्रेसिडेंट रूल जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं वो लागू नहीं रह सकता. फिर इसमें क्या मैंडेटरी है, क्या आवश्यक है? तो उसके लिए वही दे रखा है कि बोथ हाउसेज जो हैं पार्लियामेंट के उनमें सिंपल मेजॉरिटी से वो प्रपोजल या रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी इसे 3 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसका मतलब इमरजेंसी जो होती है वो 6 महीने से ज़्यादा लागू नहीं हो सकती. अगर 6 महीने से ज़्यादा लागू करनी है तो वापस से प्रपोजल पास करना होगा. और किसी भी परिस्थिति में जो इमरजेंसी होती है वो 3 साल से ज़्यादा के लिए लागू नहीं हो सकती है. ठीक है, इसे ज़्यादा के लिए इम्पोज नहीं किया जा सकता. तो ये हमने पढ़ लिया स्टेट के अंदर कैसे इसे लागू किया जाता है. अब एक लास्ट आपका इसमें है, प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, रुपए पैसे से संबंधित जो समस्या होती है उस आपातकाल या इमरजेंसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी.
financial emergency according to section 360 if the president feels that such condition have evolved due to which the financial stability or goodwill of India is threatened, then he can declare a financial emergency. इसका मतलब यह है कि अगर प्रेसिडेंट को ये फील हो जाए कि भारत की या हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो भी वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकता है. द टेन्योर फिक्स्ड इज द सेम एज इन केस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी डिस्कस्ड अर्लियर. और इसमें भी टाइम पीरियड वैसे ही होता है, 6 मंथ के लिए लागू कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर लागू करनी है तो उसे दोनों हाउसेज में प्रपोजल पास कराना होगा और फिर 3 साल से ज़्यादा के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लागू नहीं हो सकती है. ये तो हमारा था प्रेसिडेंट का पोर्शन. प्रेसिडेंट के जो पावर थी वो थी डिफरेंट काइंड ऑफ पावर हमने पढ़ ली. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है. देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 63. ये आर्टिकल बच्चों आप डेफिनेटली याद कर लेना क्योंकि आर्टिकल लिखने से आपका आंसर, आर्टिकल सेक्शन जो भी दिए हुए हैं उनको लिखने से आपका आंसर इफेक्टिव होगा. 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में दिया गया है कि भारत के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट होगा. द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड दिस इलेक्शन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सेक्रेट बैलेट. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया था एसटीबी क्या होता है और मिनिमम कोटा से कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन कोई जीत गया. फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट. और ये जो क्वालिफिकेशन दी हुई है ये बहुत ईजी है. ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और he should be of minimum 35 years of age. He should hold all such qualification which have been provided by constitution for the member of Rajya Sabha. ठीक है, फिर उसके बाद vice president को कैसे हटाया जा सकता है. तो tenure of vice president is 5 years but he can voluntarily resign from his post also before the completion of his tenure. वैसे तो vice president का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है लेकिन वो चाहे तो इससे पहले भी रिटायरमेंट ले सकता है. ठीक है, फिर ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू सच रेजोल्यूशन विच इज़ पास्ड बाय टोटल मेजॉरिटी. और उसे उससे पहले हटाया भी जा सकता है लेकिन उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर की मेजॉरिटी से प्रपोजल पास होना मैंडेटरी है. ठीक है, और इसकी इंफॉर्मेशन 14 दिन पहले देना कंपलसरी होता है. फिर है पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. एक तो बच्चों वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है. जो आदमी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होगा उसे उस पोस्ट के साथ एक एडिशनल पोस्ट फ्री में मिलती है कि वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा. यानी एक्स ऑफिशियो होता है, पदेन कहते हैं, यानी एक पोस्ट के साथ जो दूसरी पोस्ट मिल जाती है उसे एक्स ऑफिशियो कहते हैं. ठीक है, फिर है एज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा देयरफॉर ही हैज़ नो राइट टू वोट बट इफ द वोट इन फेवर एंड डिसफेवर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर इक्वल. वैसे तो राज्यसभा में वोट देने का अधिकार वाइस प्रेसिडेंट का नहीं होता है लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के वोट इक्वल हो जाते हैं तो कैसे डिसाइड करें. तो ऐसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को वोट देकर उसका फेवर कर सकता है या नहीं देकर डिसफेवर कर सकता है. ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. इसको आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये इसका बहुत स्पेशल पावर है वाइस प्रेसिडेंट की. सेकेंड है इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ही अक्वायर्ड हिज ऑफिस. अगर प्रेसिडेंट कहीं एब्सेंट रहता है, बीमार हो जाए या डेथ हो जाए या
वो अचानक से रेजिग्नेशन दे दे या फिर प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लगा दिया जाए, तो या फिर कहीं फॉरेन विजिट करने के लिए गया हो, तो भी उसकी जगह पे कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।